हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपके लिए ऐसा एक होस पाइप लेकर आया हूँ जो आपके कार वॉशर में फिट करके आप कई सारे ड्रेनेज वगैरह क्लीन कर सकते हो। जैसे आपके घर का अगर ड्रेन अगर ब्लॉक हो जाता है कुछ भी ऐसा है ना, तो आप उसको प्रॉब्लम आपका सॉल्व कर सकते हो। ऐसा आपके लिए मैं एक पाइप लेकर आया हूँ, और एक ऐसा कंपनी है जो आप नॉर्मली मैं डिस्क्रिप्शन में इसका नंबर दे दूंगा कंपनी वालों का, तो आप उनको ना, जैसे आपका अगर होस पाइप खराब हो गया तो हाइड्रोलिक पाइप खराब हो गया, तो सीधा आप कंपनी वालों से कॉल करके आप सीधा अपने हिसाब से ना आपको जैसा वाला चाहिए होस पाइप आप वैसा बना के ले सकते हो। तो एक्चुअली मुझे कंपनी वालों ने मुझे भेजा ये वाला पाइप, तो मैं आपको अभी खोल के दिखाता हूँ ये कैसा काम करता है। मतलब किसी भी तरह का मतलब होस पाइप है, हाइड्रोलिक पाइप है, वो हर तरह का मैन्युफैक्चर करता है, मेड इन इंडिया, मतलब इंडिया में इस तरह का बनता है। तो मैं कंपनी वाले का नंबर दे दूंगा, आप सीधा उनसे बात करके ना आपको जैसा चाहिए वैसा पाइप आप ऑर्डर करके बना सकते हो। आप जैसा बोलोगे वैसा वो लोग बना के देते हैं, ऐसा सिस्टम है उनका। और अमेजोन पे भी है, तो मैं अमेजोन का भी लिंक दे दूंगा। अभी मैं काम करता हूँ, मेरे को देखता हूँ मैं आपको मुझे क्या भेजा लोगों ने, तो मैं आपको उसका एक्सपेरिमेंट भी करके बताऊँगा। मेरे अपना कार वॉशर मशीन है, उसे फिट करके लगा के चला के बताऊँगा। ये कंपनी वाला जो पूरा ऑल इंडिया में ये लोग अपना सर्विस देता है, पूरा ऑल इंडिया में अपना सामान बेचता है कुरियर से। आप जैसा बोलोगे वैसा पाइप आपको बना के देंगे, तो ये एक अच्छा बात है। बहुत लोग सोचते हैं कि अपने हिसाब से जो होता है जैसा चाहिए वैसा अपने को मिलता नहीं है, तो ये कंपनी वाले एक अच्छा काम है। मतलब ऐसा है कि 50 मीटर 100 मीटर भी अगर आपको पाइप चाहिए तो भी ये लोग बना के देंगे। ये देखो, चलो ठीक है, मेरे को क्या भेजा है लोगों ने, यस ये देखो दो टाइप का भेजा है। वाओ, ये बहुत ही हाई क्वालिटी का है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, जो नॉर्मल जैसा आता है वैसा वाला नहीं है। ये देखो ये मुझे लगता है ये कम से कम 20 मीटर से ज़्यादा होगा लगता है। ये बहुत बड़ा पाइप है, और इसका थ्रेड सिस्टम आपने देखो, ये इसका है ब्रश का है, ब्रश मटेरियल का है। ये देखो ये अलग ही है, जैसे नॉर्मली अमेजोन पर मिलता है ऐसा वाला नहीं है वो, ये मेड इन इंडिया है, ये बनाया हुआ है। आप जैसा ऑर्डर दोगे वैसा वाला ये बना के देंगे। तो मेरे कार वॉशर के लिए मैंने अपना साइज़ जो है मशीन का उसके हिसाब से लोगों ने बना के दिया है। और दूसरा वाला ये देखो, ये ऐसा वाला है, और दूसरा साइड में देखो, ये सामने साइड में ये देखो, ये नोजल ये देखो, और उसमें एक बात बता, देखो यहाँ पर एक छेदा है, बारीक सा छेदा, बस यहाँ पर एक छेदा है, देखो ये साइड में यहाँ पर एक छेदा है। तो ये जब ड्रेन के अंदर जाएंगे तो ड्रेन जो भी कुछ कचरा वगैरह है सब कुछ क्लीन करके वो बाहर आ जाएंगे। ऐसा मतलब प्रेशर से चारों ओर से पानी निकलेगा, तो मशीन में भी लगा के देखें, देखना इसमें से कैसा स्प्रे निकलता है। मैं आपको अभी एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूँ। नॉर्मली ये तो लंबा पाइप है, ये देखो ये 20 मीटर का पाइप है ना, इसको मैं आपको क्या बताऊँ। नॉर्मली अगर आपको ऐसा वाला पाइप खरीदना है तो आप सीधा खरीद सकते हो, 50 मीटर 100 मीटर इतना आपको लंबा पाइप चाहिए। जैसे कि कुछ कुछ लोग ऐसा खेत में अगर आपको दवाई डालना है ना, तो आपको ये लंबा पाइप जरूरत पड़ सकता है, 50, 100 मीटर 200 मीटर भी। तो बस मशीन आप एक जगह पे फिट कर दो और बस इस पाइप को यूज़ करो, बाद में एक साइड में गन लगा दो। चलो मैं काम करता हूँ, ये भी मैं आपको लगा के बताऊँगा, है ना। ये देखो तो कितना मीटर चाहिए उतना मीटर आप लंबा ये पाइप को बना सकते हो। मैं इतना दिन से सोचता था कि भाई कैसे करेंगे, भाई पाइप को जॉइंट करना पड़ेगा, जॉइंट करके पाइप लंबा करना पड़ेगा, लेकिन नहीं, अगर आप ऐसा वाला पाइप यूज़ करोगे आपको जितना लंबा पाइप चाहिए वैसा उतना लंबा आप डायरेक्टली खरीद के आप अपने मशीन में यूज़ कर सकते हो। किसी भी तरह का अगर कार वॉशर मशीन है, किसी भी तरह का मशीन है जिसमें हाइड्रोलिक पाइप वगैरह लगता है, इस तरह का होस पाइप लगता है, तो अपने हिसाब से आप बना सकते हो कंपनी से कॉन्टैक्ट करके। और कुछ कुछ जो सामान है वो तो लिंक दे दूंगा मैं, अमेजोन पर भी कुछ कुछ अवेलेबल है। ये देखो मैं आपको इसको खोल के दिखाता हूँ, ये तो इतना हार्ड है कट भी नहीं हो रहा यार इसका। अच्छा इसका लॉक सिस्टम खोलता हूँ मैं, इसको प्रेस करेंगे तो खुल जाएगा यहाँ से। खुल जा, हाँ ये देखो ये खुल गया। इतना बड़ा चाकू है लेकिन चाकू में ना धार नहीं है। ये देखो ये भी कट नहीं हो रहा है, ये देखो ये देखता हूँ ये एक्चुअली ये कितना मीटर का है। ये तो ये भी काफ़ी बड़ा लग रहा है, नॉर्मल जो कार वॉशर मशीन के साथ आता है उससे भी ज़्यादा लंबा है ये होस पाइप। मुझे लगता है 10-12 मीटर होगा, इतना लंबा है वो। तो ये मैंने पाइप अभी मेजरमेंट करके देख लिया, ये 12 मीटर कुछ मुझे उन्होंने भेजा है, तो ठीक है इसको मैं भी साइड में रखता हूँ। अब इसकी बारी है, इसको मैं भी खोल के, ये मुझे लगता है कम से कम नहीं 30-35 मीटर होंगे, इतना लंबा पाइप है वो। मैं इसको मेजरमेंट नहीं करूँगा, फोकट का इतना खोल के फ़ायदा नहीं है। इसको मैं आपको बस खाली मशीन में फिट करके बताऊँगा, दोनों साइड का जो थ्रेड है उन्होंने जो मुझे भेजा है बना के मशीन के मेजरमेंट के हिसाब से, वो मशीन में प्रॉपर कनेक्ट होता है कि नहीं। एक साइड में मशीन कनेक्ट होगा, दूसरा साइड में गन कनेक्ट होगा, मुझे वो करके ऐसे देखना है, कनेक्ट करके देखना है। और एक्चुअली मशीन के साथ यूज़ करेंगे ये वाला पाइप, ये हमारा घर का जो बाथरूम है उसमें से ना जो मेरा चैम्बर है वो ना ब्लॉक हो गया है, तो हम उसको भी यूज़ करके उसको क्लीन करेंगे। तो एक्सपेरिमेंट वीडियो होगा, आप देखना ना।
ठीक है, अभी मैं एक कार वॉशर मशीन लेके आता हूँ। वैसे तो मशीन आप कौन सा भी यूज़ कर सकते हो, मेरे पास जो है अभी वो मैं लेके आता हूँ। ये देखो ऐसा, तो ये देखो ये है ब्लोरेक्स का मशीन। आप चाहे तो कौन सा मशीन यूज़ कर सकते हो, मेरे पास जो ये है तो मैंने ये दिखा रहा हूँ आपको सैंपल के लिए। ओके, तो ये दूसरा जो साइड है ये इनपुट साइड है, ये है आउटपुट साइड। इसको हम ऐसा यहाँ पर लगाएंगे। वाह, ये देखो परफेक्टली फिट हो गया एकदम। ये देखो ये मस्त फिट हो गया। दूसरा जो साइड है ये गन पे लग जाएगा। ये देखो वाओ, ये देखो ये देखो परफेक्ट। नॉर्मली ये की पाइप है डायरेक्टली 30 मीटर पाइप, कितना चाहिए उतना आप लंबा अपने हिसाब से मंगा सकते हो ऐसा। चलो ठीक है, ये तो हो गया ये वाला। और दूसरा वाला जो है जैसे कि भाई निकल जा, ठीक है। अब ये है स्प्रे सिस्टम जिससे हम ड्रेनेज वगैरह क्लीन कर सकते हैं, ये वो है। तो इसका हम दूसरा साइड यहाँ पर लगाएंगे। अच्छे से टाइट कर लेते, यस ये जो टाइट हो गया मशीन में लग गया। अब ये दूसरा साइड हम सीधा गटर में डालेंगे, जो जहाँ पर आपका ड्रेन वगैरह है, जहाँ पर ब्लॉक हो गया आपका ड्रेनेज, उस वहाँ पर हम ऐसे डालेंगे। तो ऑटोमेटिकली अंदर जाकर बहुत तेज़ी से एकदम फायर करेगा, वाटर प्रेशर का फायर करेगा, ऑटोमेटिकली ये वहाँ से बाद में क्लीन हो जाएगा। ये देखो ये मैंने कनेक्शन कर लिया है मेरे घर के अंदर ही। ये देखो ये मशीन है और यहाँ से मैंने पानी लिया हुआ है। और ये देखो, और जो मेरा जो बाथरूम है वो यहाँ पर ब्लॉक हुआ है, मैं आपको डिटेल दिखाता हूँ इस बाथरूम में। ये देखो यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर जो है ब्लॉक हो गया, पानी जैसे जाता है तो वो ऊपर आ जाता है। दोस्तों आपको एक चीज़ का ख्याल रखना है कि देखो यहाँ पर गन का कंट्रोल नहीं है, मतलब जब तक आप गन को प्रेस नहीं करेंगे तब तक मशीन बंद नहीं होगा। मतलब जैसे हम जैसे कि गन निकाल दिया आप डायरेक्ट हो गया मशीन, है ना, जैसे हम ऑन करेंगे तो मशीन कंटिन्यूसली चलते रहेगा। तो हमको क्या करना है, ये जो पॉइंट है, ये जो यहाँ से जहाँ से पानी निकलेंगे ये अपने को साइड में पहले ही कर देना आगे से शुरुआत में। इसको मैंने साइड में कर दिया, अब उसको चालू करके देखेंगे कैसा यूज़ होता है। जब ये प्रॉपर चलने लग जाए बाद में हम उस बाथरूम में लेके जाएंगे। आप चाहे तो सीधा चैम्बर के अंदर डालने के बाद ही आप ऐसा कर सकते हो। चलो इसको मैं अभी स्विच ऑन कर देता हूँ। चलो स्विच ऑन, ये मशीन ऑन हो गया। अब पानी आने दो, मैं थोड़ा दूरी रुकता हूँ नहीं तो पानी मेरे ऊपर आएंगे। देखता हूँ कैसा वो ऑन होता है, सीधा यहाँ से ऑन ऑफ करेंगे। अरे बाप रे, ये खतरनाक फुल स्पीड से चलने लगा। एक्चुअली मैं नज़दीक जाऊँगा तो गीला हो जाएगा, खतरनाक फुल स्पीड चल रहा है। मैं फिर से कैमरा फिट करता हूँ, देखो एक बार एकदम तेज़ी से ऐसा आया। मशीन के यहाँ से मैं ऑन ऑफ करूँगा, कंट्रोल करूँगा, क्योंकि इसमें तो है ही नहीं कुछ कंट्रोल करने के लिए। देखता हूँ एक सेकंड के लिए चालू करता हूँ मैं। ये देखो खतरनाक। दोस्तों मैं आपको क्या बताऊँ, जैसे कि मैंने मशीन चालू किया ना, इसके चारों ओर छेदा छेदा है और बहुत तेज़ी से एकदम स्प्रे निकलने लगा। मतलब कचरा जो भी है हर तरफ से एकदम स्प्रे करके बिल्कुल एकदम क्लीन कर देगा, है ना। तो मैं आपको फिर से एक सेकंड के लिए चला के दिखाता हूँ, ऐसे मैं भीग जाऊँगा थोड़ा सा, फिर मैं आपको दिखाता हूँ ऐसा चालू करके। ये देखो चारों ओर से पानी निकल रहा है। छिट, ये देखो ये एक सेकंड के लिए मेरे यहाँ पर पानी लग गया, पूरा भीग जाएंगे चारों ओर। तो मैं आपको बस मिली सेकंड कैसे दिखाने के लिए मैंने ऐसा किया है। तो अब मैं क्या करता हूँ, मशीन वहाँ पर है और ये मैं वायर लेके जा रहा हूँ, पाइप लेके जा रहा हूँ। देखो बहुत ही लंबा पाइप दिया है, तो सीधा मैं अपना बाथरूम में यहाँ पर डाल दूंगा। और जो मशीन का जो स्विच है वहाँ पर किसी को बोलेंगे कि भाई वहाँ पर रुको और वहाँ से ऑन ऑफ करो, यहाँ पर मैं अभी कंट्रोल करूँगा। चलो अब इसके अंदर डाल देता हूँ मैं गटर के अंदर। सोना चालू कर दो मशीन। ये देखो अंदर तेजी से आवाज़ हो रहा है, हर तरफ पानी पानी स्प्रे हो रहा है। बंद करो बंद करो। चलो फिर से चालू करते, चलो ऑन करो। अरे ऑन करो कोई सी। चलो देखते वो देखो अंदर स्प्रे हो रहा है बिल्कुल तेजी से। शिट, कचरा ऊपर आ गया था छिटक के। चलो बंद करो। चलो अंदर वो प्रेशर होने दो, चारों ओर से इसको प्रेशर मारने दो, थोड़ा टाइम वेट करेंगे ऑटोमेटिक क्लीन हो जाएगा वो, बस उसको थोड़ा ऐसा ऐसा हिलाना है। पानी अंदर ही अंदर खतरनाक राउंड मार रहा है, राउंड राउंड हो रहा है ऐसा, पूरा कचरा को मिक्स करके निकल देगा बाहर।
चलने दो, जाने दो, जाने दो। पता नहीं कहाँ तो अटक रहा है, इसको घुमाना पड़ेगा थोड़ा। पूरा कचरा बाहर आ रहा है। शिट, हाँ ये देखो, बंद करो। ये देखो अब स्लोली स्लोली पानी जाने लगा, देखो ये देखो जा रहा है, नीचे जा रहा है। अभी पूरी तरह से क्लीन नहीं हुआ, जब क्लीन होगा तो फास्ट चला जाएगा एकदम। ये देखो पानी कम हो रहा है। देखो जैसा मैंने प्रेशर मारा, पूरा का पूरा कचरा बाहर आ गया, और बाद में बिल्कुल देखो नल बिल्कुल अभी क्लीन हो गया। देखो अभी मैंने अभी यहाँ पर बेसिन भी चालू किया हुआ, मैंने देखो यहाँ पर ये बेसिन चालू किया मैंने, पानी अनलिमिटेड अंदर जा रहा है, फिर भी अभी वो कचरा बाहर नहीं आ रहा है, पानी भी बाहर नहीं आ रहा, ओवरफ्लो नहीं हो रहा, अभी वो मस्त एकदम क्लीन हो गया है। ये जो प्रेशर वॉशर है आप समझ सकते हो इससे कितना सारा मल्टीपल काम कर सकते हो, मतलब ये एक मशीन और 10 काम। चलो ये बेसिन बंद कर लेते, पानी ज़्यादा वेस्ट नहीं करना चाहिए, और बाद में ये पाइप भी बाहर निकाल लेंगे, और मैं बाद में सोच रहा हूँ एक ड्रम पानी डाल दूंगा अंदर, उससे फुल क्लीन हो जाएगा, कचरा सब चला जाएगा। देखना अभी मैं ये एक ड्रम पानी एक झटके में डाल रहा हूँ बहुत तेज़ी से, और फिर भी जो है ना वो जो ड्रेन बिल्कुल भरेगा नहीं, वो एकदम एक सेकंड के अंदर पूरा फुल अंदर पानी खींच लेगा, इतना प्रॉपर मस्त एकदम क्लीन हो गया है। फाइनली बिल्कुल एकदम क्लीन हो गया है, मतलब मुझे लगता है ये हाईएस्ट कितना मिनट लगा मुझे क्लीन करने के लिए, 3 से 4 मिनट लगा मुझे, और मस्त एकदम ड्रेन देखो अच्छे से एकदम क्लीन हो गया वो चकाचक। तो दोस्तों आपने तो इस नोजल का कमाल देख ही लिया है ना, अगर आपके पास किसी भी तरह का मशीन है आप उसमें मॉडिफाई करके अपनी हिसाब से इसको ऐसा सेट कर सकते हो। आपने तो देखा ना कैसा मैंने कमाल कर दिया, मस्त एकदम किसी भी तरह का ड्रेनेज को क्लीन कर सकते हैं आप। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।